वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन साथिया धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले, पुस्तक पूर्ण सोई संत लड़ीवाल। ऐसे ही परोपकारी परम उपदेशी महापुरख बाबा झंडा सिंह जी पठान लंगल वाले भी सन। बाबा झंडा सिंह जी बहुत ही बंदगी वाले साधु महापुरख सन, बहुत कमाई वाले साधु सन। बाबा झंडा सिंह जी का अस्थान पिंड पठान लंगल अमृतसर साहब विखे है। दसते हैं कि बाबा झंडा सिंह जी दे समय इस अस्थान के नज़दीक एक सूआ होता सी, उसके कंडे कंडे कच्चा रस्ता होता सी जो लाहौर पाकिस्तान में जाता सी। बाबा जी कुली वाले वचन करते सन कि बाबा झंडा सिंह जी बड़े महान साधु सन। उन्हां दा नित दा नेम हुंदा सी कि वह रस्ते तो लंघदे राहियां नूं लंगर छकाउंदे सन। उह सवेरे उठ के वड्डे वड्डे प्रशादे तैयार कर लैंदे सन, ते जिहड़ा वी राही रस्ते दे विच्चों लंघणा उसनूं एक वड्डा प्रशादा हाथ ते ही दे देणा, ते उस उत्ते सब्जी रख देणी। जे सिख होणा ते कहणा वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा जाओ, हिंदू होणा ते कहणा राम राम करदा जाओ, मुसलमान होना तो कहना अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करता जाओ। ऐसी अवस्था वाले महापुरख सन जो पातशाह भी वचन करते हैं कि हिंदू तुर्क को राब जी ईमान साबी, मानस की जात सब एक पहचान बो, करता करीम सोई राज करही में ओई, दूसरों ना भेद कोई भूल प्रमाण बो, एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक जोत जान बो। ऐसी सांप्रतिक सेवा भावना वाली बख्शी आत्मा बाबा झंडा सिंह जी सन। यानी संत सिंह मस्कीन जी भी वचन करते होते सन के ब्रह्म दृष्टि च कोई भेदभाव नहीं है, जो ब्रह्म दृष्टि है सो सब दृष्टि है। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। बाबा झंडा सिंह जी तो सचखंड चले गए सन, पर उन्हां दे इस स्थान ते जिथे बाबा झंडा सिंह जी बंदगी करते सन ते आउंदे जांदे राहियां दी सेवा करते सन कोई इमारत नहीं सी। इत्थे रुख ही चार पंज रुख ही हुंदे सन ते पिंड दे लोग दीवा जगा जांदे सन, पर उस स्थान को धरती भागा वाली होंदी है जिथे बख्शियां रूहां दे चरण पैंदे हन, जिथे बैठ के सतपुरश नाम जपदे हन। अठसठ तीरथ जै शाद पद करहै, तै वैकुंठ जै नाम उचरै, खान सुहावा पवित है जिथै संत सभा। इस भाग भरी धरती दे नाल बाबा जी कुली वालियां दा भी बड़ा प्रेम सी। पहले समयां विच बाबा जी जदों भी पठान लंगल विखे आउंदे सन तां इत्थे रुखां थले ही रात कटदे सन। बाबा जी कई बार बहुत दिन इत्थे रह के तपस्या सिमरन करदे सन। इसे अस्थान ते बाबा जी इक वार आए, अंबा दे रुख थले बैठ के ते वाहिगुरू सिमरन विच जुड़ गए। रात नूं मीह हनेरी बहुत आई, बहुत चक्कर झुलिया ते बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई। सारी रात मीह वरदा रहा, पर बाबा जी अडोल चित बंदगी विच बैठे रहे। पिंड वाले सवेरे इस जगह ते आए, जो कौतक वापरिया सी उह देख के हैरान रह गए। इन्नी बारिश हुई सारे पासे पानी खड़ गया सी, पर जिस रुख थले बाबा जी सिमरन कर रहे सन वह सारी जमीन सुकी पई हुई सी ते बाबा जी अडोल चित बंदगी विच जुड़े हुए सन। इंज जापदा सी जिवें इस धरती ते कोई मीह वरिया ही नहीं, ये कोई गैबी कौतक ही सी। पठान लंगल दे भी कई वीर फिर बाबा जी की संगत करन लग पए। जथेदार सुरिंदर सिंह जी जिन्हां ने लमेरा समा बाबा जी की संगत की भी इसे नगर दे सन। पिंड की संगत ने विचार की कि बाबा जी इस स्थान ते अक्सर आउंदे रहिंदे हन ते रुखां थले ही समा बतीत करदे हन, बाबा जी नूं इस स्थान ते छल ही बना दईए। उन्होंने उदम करके बाबा जी ने इतने छल बना दी। बाबा जी फिर काफ़ी समा इतने भी बिता लग पे,
दिन रात वाहिगुरु सिमरन के रंग में रंगे रहते जो वजन भी है कि सात रत्ते जिन्ना तुर लिख पाया हर का नाम सदा मन पाया तथा संतत ही सत संगत संग सुरंग रत्ते जस गावत है। भाई लाभ सिंह जो पिंड काले दे रहने वाले सन की शादी होए नूं बहुत समा हो गया सी पर घर विच कोई औलाद नहीं सी। एक दिन लाभ सिंह पट्ठे वटन खेतां विच आया होया सी पट्ठे वढ के पंड बन लई पर पंड भारी सी ते लाभ सिंह दे कोल चुकी नहीं गई। लाभ सिंह किसी वीर नूं इधर उधर देखण लगा बाबा जी भी उधरों ही लंघ रहे सन। लाभ सिंह ने दूरों ही बाबा जी को आवाज़ मारी कि भाई मैनू पंड चुका जा। उसकी आवाज़ सुन के बाबा जी उसके कोल आए। लाभ सिंह ने देखा कि तो बाबा जी हैं। बाबा जी ने आंदे ही वचन किया भाई घर में कोई पंड चुकन चुकाने वाला नहीं आया। लाभ सिंह हाथ जोड़ के कहता कि नहीं बाबा जी अजे तो नहीं आया तुसा ही कृपा करनी है। बाबा जी ने लाभ सिंह को पंड चुकाई तो नाल ही वचन किया चल कोई ना आजूगा चुकन चुकाने वाला भी उहदे घर कोई घाटा नहीं उहदा सिमरन करिया कर। सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश हुई तो समा पा के लाभ सिंह के घर पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम बुआ सिंह रखिया। लाभ सिंह होर की बाबा जी से बहुत श्रद्धा बन गई। वह भी सारा परिवार बाबा जी की संगत में आने लग पिया। इस तरह बाबा जी बहुत बख्शिशा बन रहे सन। बाबा जी की बख्शिश ऐसी सी कि जिवें मीह एक समान उच्चे नीवे सब उत्ते वर जाता है सब नूं ठंडा कर जाता है सब की झोली भर जाता है। बाबा जी भी सब नूं मीह समान ही बख्शिशा वंड रहे सन। भावना वालिया ने झोलियां भर लिया ते हंकारी संघने रह गए। ऐसा ही आशीर्वाद पंडोरी राजपूता उत्ते भी बाबा जी का सी। पंडोरी राजपूता भलथ विखे बाबा जी का बहुत आन जान हो गया सी। बहुत संगत इतने भी सत्संग में हाजरी भरती सी बस पर इस नगर विखे गुरद्वारा साहब की कोई वधिया इमारत नहीं सी। तकरीबन साल 1966 में बाबा जी ने संगत के सहयोग नाल इत्थे गुरद्वारा साहब की इमारत की सेवा आरंभ करवाई। सतगुरु पातशाह जी ने बड़ी नदर की ते बाबा जी के आशीर्वाद सदका नगर दियां संगतां ने बड़े उत्साह नाल सेवा विच हाजरी भरी। जो वचन भी है लग संत चरणी पड़े सरणी मन तिला उमाहा। इमारत की सेवा चल रही सी ता एक दिन पिंड दे एक बुजुर्ग ने संगत नूं बहुत माड़ा चंगा बोलिया। बोलिया कौड़ा जेबा की फूड। संगत ने बाबा जी नूं इस बारे दसिया। बाबा जी इन्ने विशाल हिरदे ते निमरता दे मालिक सन कि उस बजुर्ग नूं कुछ ना किया ते संगत अगे झोली अड के कहिंदे भाई उसका माड़ा चंगा बोलिया साडी झोली पा दिओ पर गुरु घर की सेवा ना रुके इस विच कोई विघन ना आवे तुसीं वध चढ़ के हाजरियां भरो। ऐसी निम्रता सेवा भावना कि जे किसी ने माड़ा वचन भी करना तो बाबा जी ने सत वचन आख के झोली कर देनी। निव जाना पर फिका नहीं बोलना। भाई साहब जी भी ऐसे गुरमुखा की अवस्था दसते हैं कि नाम दान इसनान करम कमाया निव चलन मिठ बोल काल गवाया। कबीर साहब जी भी बड़ी प्यारी उदाहरण देते हैं कि खाली कड़ा ही ज्यादा आवाज करता है भरिया ते सथर हो जाता है। जिस हिरदे में सिमरन नहीं भगती नहीं कोई फिका बोल मंदा बोल बोलते हैं बोलता है सिमरन वाला हिरदा ते निम्रता नाल भर जाता है। ओ कबीर शूशा कट बोले भरिया होए सो कबूला डोले। बाबा जी ने उस बजुर्ग नू कुछ नहीं किया पर किते कर्म भोगने पैंदे हन। वो अगे जरूर आते हैं पर जे कोई साध संगत में ही माड़ा चंगा बोल देवे जां महापुरखां दी निंदिया करे अजिहे प्राणी तां रब वाले ही सरापे जाते हैं। गुरबाणी का भी फरमान है कि संत का निंदक परमेसर मारा। उस बजुर्ग के किते कर्म भी सामने आए उसनू भी भोगना पिया। उसकी बहुत मंदी हालत हुई बड़ा औखा समा उसते आया। गुरबात भी है रसना फिका बोलना
नेत नेत होए खुआर। पर बख्शन वाला नजर कर देवे ते ओ फिर बख्श भी लैंदा है। उस बजुर्ग दे वड्डे पुत्र दे घर लड़का होया, उसने नेक नीयत नाल गुरु घर विखे बहुत सेवा कीती ते अपने परिवार दियां भुल्लां बख्शाइयां। इसे सेवा दौरान एक होर बड़ा बख्शिश वाला कोतक वापरिया। गुरद्वारा साहब की इमारत की सेवा में भाई हरनाम सिंह ने गुरु घर की बड़ी सेवा की। बाबा जी ने जिस तरह की भी सेवा लई कहना, हरनाम सिंह ने उसी सेवा में जुड़ जाना। उसने समा नहीं विचारना, जिथे भी कोई सेवा का समान लैन जाना होंदा उत्थे चले जाना ते बड़े तन मन ते धन नाल सेवा करनी। सतगुरु से बने अपना सच्चा पै प्यार। पर हरनाम सिंह के घर धियां ही सन, कोई पुत्र नहीं सी। हर संसारिक परिवार वांग इन्हां दे मन विच भी पुत्र की चाहत सी। एक दिन पिंड दे कोई सज्जन गुरद्वारा साहब की छत मुकम्मल करन लई माया सेवा विच दे रहे सन। हरनाम सिंह ने 100 रुपये सेवा विच दिते। हरनाम सिंह का नाम लिखन लगे तो बाबा जी ने वचन किया कि हरनाम सिंह का नहीं इहदे पुत्र का नाम लिखो। ये वचन सुन के हरनाम सिंह बड़ा खुश होया। उसने 100 रुपये होर पिंडा कीते, पर बाबा जी चुप ही रहे। गुरु घर की सेवा की बख्शिश हुई ते हरनाम सिंह के घर जोड़े बच्चों ने जन्म लिया। सफल सेवा स्वामी मेरे की, मन वाचक फल पाव हो। हरनाम सिंह होर ने बाबा जी को दसिया तो बाबा जी ने उन्हों का नाम जोड़ा तोड़ा रखिया। पर कुदरत का पाड़ा ऐसा सी कि कुछ समय बाद तोड़ा चढ़ाई कर गया। बाबा जी ने हौली हौली पंडोरी राजपूता विखे संगत के सहयोग नाल गुरुद्वारा साहब की इमारत की संपूर्णता करवा दिती ते संगत को गुरु घर गुरु धर नाल जोड़ दिता। राइवल दे मन शंका दूर करना। बाबा जी पिंडा विच भी जाके गुरमत सिद्धांत का प्रचार कर रहे सन। बाबा जी की उम्र भी तकरीबन 60 साल के करीब हो गई सी ते बसा विच हुण ज्यादा सफर नहीं हो पाता सी। श्री अखंड साहब जी के भोग से कितने जाना होता तो बाबा जी किराए से गड्डी आदि करवा लेते सन। बापू संत सिंह हबीबवाल बाबा जी के बहुत श्रद्धालु संगी सन। बापू जी ने घर में गुरु ग्रंथ साहब जी के श्री अखंड पाठ साहब रखवाए तो बाबा जी ने भी भोग से हाजरी भरन की बेनती की। बाबा जी श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग से हाजरी भरन किराए से गड्डी लैके पहुँचे, पर गड्डी के ड्राइवर ने साधु संत देख के श्रद्धा वजों गड्डी का किराया कोई ना किया। बाबा जी ने भी किराए की कोई गल ना की, क्योंकि बाबा जी का तो सुभाव ही ऐसा सी कि जिन्ना किसी का हक होता है 5-10 रुपये उस तो वध के देंदे सन। किसी का हक नहीं रखते सन। सतपुरश के गुण ही ये हैं कि पहला सच हलाल दोए तीजा कर गुदाए चौथी नियत रास मन पंजवी सिफत सनाए। ड्राइवर वीर ने गड्डी तोड़ता लई, पर मन में एक यही ख्याल आई जाए कि पता नहीं बाबा जी कोई किराया भाड़ा देंदे भी हैं कि नहीं। सारा रास्ता यही फिक्र उसके मन में चलती रही। बाबा जी हबीबवाल नज़दीक नडाला कपूरथला विखे पहुंचे। गुरु तेग बहादुर पिता जी की बाणी श्लोक महला नौवा ते उपरंत संगती रूप में अरदास हाजरी भरी। हुक्मनामा साहब उपरंत बाबा जी ने गुरु शब्द विचारा की संगत न साझ पाई। जो वचन भी है ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचार रह निरारे शब्द विचार राम रस चाके नानक साज पति ने। सारी संगत ने सत्कार वजों बाबा जी ने माया भेटा की। माया बहुत हुई पर बाबा जी का सुनौनी नाल कोई चित नहीं सी। उन्हें लेप विचरते सन रह निरालम एक सच करनी परम पद पाया सेवा गुर चरणी। ड्राइवर के मन की जान के बाबा जी संगत सिंह बेगुआ कहते पुत आज चुक लै सारा ढेर ते जा ड्राइवर को दे आनू किराए दियां फिकर पे। हक हलाल बखोरो खाना दिल दरियाओ तो वो मैलाना पीर पछाण पिस्ती सोई
अजराइल लाडो जठरा। संगत सिंह ने सारी माया चुक ली जो किराए को कितने वध सी ते ड्राइवर नु दे दी। इन्नी माया देख के ड्राइवर बहुत हैरान होया कि मैनू तो किराए की फिक्र सी, बाबा जी ने तो किराए तो कितने वध के माया दे दी है। इस तरह की नरलेप ते किसी का भी हक ना रखने वाली बिंदी के मालिक बाबा जी सन। वचन की है पर किरती हूं बाहरा गुरमुख विरलोही। बाबा जी ने बड़ी सख्त ताड़ना करते होंगे सन के पुत, चाहे कोई तुहाडे नाल गलत भी करे वधीकी भी करे पर तुसी नहीं उसका हक मारना, तुसी नहीं उसका हिस्सा रखना, उसका बढ़ता हक उसनू जरूर देना है, किसी का हक नहीं रखना। हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुरपीर हामा ता भरे जा मरदार न गाए। वो चाहे जो मर्जी करे तुसी उस जैसे नहीं बनना, तुसी गुरसिख बनना है। रुखा दे कोई पत्थर मारे तो रुख उसनू भी अगू फाली देते हैं। अजिहे महान उपदेश बाबा जी बख्शिश करते होंगे सन। ये उन्हों की कमाई सी, तपस्या सी, बंदगी सी। बीबी रुको जी का डेरा छकना। बीबी रुको जी के डेरे विखे भी रोजाना सत्संग होंदा सी ते गुरु का लंगर अतुट वरतदा सी। बहुत संगत का इकट्ठ इत्थे होण लग पिया सी। बाबा जी सारी संगत नूं गुरबाणी नाल जोड़दे सन ते श्री अखंड पाठ साहिब जी दे निरंतर पाठ करवाउंदे सन। बहुत समा यह नेम इस स्थान पर चलता रहा। तकरीबन सन 1964 ईस्वी में किसी सज्जन ने राधा स्वामी जथेदारा दे कोल शिकायत की कि बाबा जी कुली वाले बीबी जी के स्थान पर बहुत संगत इकट्ठ करते हैं, उन्होंने डेरे उत्ते कब्जा कर लेना है। राधा स्वामिया के कुछ जथेदार इकट्ठे होकर बाबा जी के कोल डेरे विखे आए। बाबा जी को नमस्कार करके कोल बैठ गए पर बाबा जी के नाल गल करन दी हिम्मत किसी की भी ना पई। बाबा जी उन्होंने कहते कि भाई मगरों ते इकट्ठे हो के आ गए हो, हुण गल भी कर लवो, जदों तुसा आपस विच मता कर ही लिया है तो फिर हुण गल करन तो क्यों घबराते हो। एक सज्जन ने फिर हिम्मत करके बाबा जी ने कहा कि बाबा जी तुसी ते सत्संग करना ते लंगर लाउणा बंद कर दियो। बाबा जी कहते भाई सत्संग नहीं करना, लंगर भी नहीं लाउणा, फिर होर करना की है। पातशाह भी बख्शिश करते हैं, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीच बौ लागा, काया कपर चीर बौ पारे, हर रंग हर रंग नाल है सुभागा। साधु जी की प्रीति ही इन्हों दोनों नाल होती है। जथेदार कहते कि बाबा जी जो तुम सत्संग करना तो लंगर लाना है तो तुम 6 महीने में डेरा छड के कितने होर चले जाओ। बाबा जी उन्होंने कहते कि भाई तुम 6 महीने कहते हो, असी 6 हफ्ते भी नहीं, 6 दिन भी नहीं, 6 घंटे भी नहीं, हूने ही असी यह डेरा छड़ के चले जाते हैं। पातशाह भी ऐसे मरले महापुरखा प्रदाय वचन करते हैं कि ब्रह्म मैं सोई सगल जगत तांदे अंत, को जग हर जन महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्याग विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत, को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड़ पागे कृपा। बाबा जी ने फिर वचन किया भाई ना तो पहले इनू डेरे को कोई नाल लै गया तो ना असा ने नाल लै जाना है। कुछ समा असी इस धरती से झाड़ू फेरन की सेवा की है तो कुछ समा तुसी कर लवो, उसा सिर से धर के लै जाना है। इतने कादे कब्जे, ना देवा सिंह का कब्जा, ना सेवा सिंह का, ना मेवा सिंह का कब्जा। किदा कब्जा? तो काल का, काल का ही कब्जा, होर किसी का नहीं कब्जा। साडा तो संगत नाल प्यार है, जे सासा की ना तो असा इतने की करना है, असी ये डेरा हूं ही छड़िया। पातशाह भी वचन करते हैं कि इतने कोई ना थिर रहसी, ना कोई सुल्तान रहा ते ना भकारी, सब ते काल का कब्जा है। पै तेरे डर अगला खप खप छिजै दे, नाव जिना सुल्तान खान होते डिडे के, नानक उठी चलिया सब कूड़े तुटे ने,
बाबा जी फिर बाबा कृपा राम जी नूं कहिंदे गुरू तू भाई मालक के राजा स्वामियां दा तू बैठा रहना ते बैठा रहो। बाबा कृपा राम जी कहिंदे महाराज जिथे तू जाना कणे उथे मैं जाना। बाबा जी कहिंदे गुरु चुक फिर चादर डंडा दे कुड़ चलीए। महाराजा भांडे ते समान वी ते ए गुरु जी ने इत्थे आके बैठना नूं भांडे नहीं चाहीदे चल पर पै रहण दे इत्थे ही। बाबा जी फिर जथेदारां नूं कहिंदे भाई होर ते असां इत्थों कुछ नहीं लैके जाणा पर जे इजाजत देवो तां तुहाडियां इक टूटी जी टोकरी लैणी है दवाई दीआं शीशियां पाउण लई। उन्होंने बाबा जी नूं टोकरी दे दित्ती। बाबा जी अपने छाती नूं कहिंदे कि दवाई वालियां शीशियां टोकरी विच पा के बाहर सड़क के किनारे रख दे जिहड़ी धरती साडी होएगी आपे गुरु नानक सानूं उत्थे लै जाएगा। बाबा जी ने फिर डेरे तो कोई भी समान ना लिया ते सब कुछ उत्थे छड्ड के डेरे तो बाहर आके सड़क के किनारे आसन ला लिया। बाबा जी ये भी बचन करते सन के पुत साधु संतां दा इन्हां डेरिया नाल जमीना नाल कोई मोह नहीं हुंदा। साधु संतां धरती तो एक फुट उच्चे होके चलते हैं वो ये हकीकत जानते हैं कि डंडा डेरा ए नहीं जै डेरा तै जान वा डेरा का संजमो गुरु कै शब्द पछाण या डेरा को श्रम कर काले जाता तसु नहीं संग चाले वा डेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सच साध संग पाया नानक ते जन ने डोलाया। गुरुद्वारा संगतसर साहिब की स्थापना 1966 ईस्वी। ये गल जब पिंड में पता लगी कि बाबा जी ने बीबी रुको जी का डेरा छड़ दिता है तो लाभ सिंह जिन्हों के घर बाबा जी के आशीर्वाद सदका पुत्र का जन्म होया सी दी पत्नी ने बाबा जी को जमीन देने लई बेनती की। बाबा जी ने जमीन लैन तो मना कर दिता तो वचन किया कि सानू नहीं इसकी कोई लोड़। पर उस भैन ने बाबा जी को जमीन लै लैन लई बहुत बेनतियां कीतियां। बाबा जी भी फिर उसको कहते कि जे तुसी जमीन देनी ही है तो सानू वो जमीन दिओ जिस उत्ते फसल बिल्कुल नहीं होती चंगी जमीन अपने कोल रखो। ऐसे लभ लोभ को नरलेप भजन बंदगी वाले महापुरख सन। गुरबात की है लभ न चलई सच रहै सो विष्ण परवान। उन्होंने फिर नाले ना लगती जमीन बाबा जी नूं दे दित्ती ते बाबा जी ने इस जगह ते टिकाणा कर लिया। भाई महिंदर सिंह ड्रैवर भी बाबा जी दे नाल सन। उसे रात बड़ा मोहले धर्मी भरिया। बाबा जी वचन करते सन केंद्र देवता ने बड़ा जोर लाया उठाउण दा पर असी भी समाधि ला के बैठ गए। इंद्र देवते नूं कहा केंद्रा तू भी हुण अपना जोर लै लै असी हुण इत्थे बैठ गए हाँ। सारी रात मोहले धर्मी वरदा रहा बड़े बड़े गोले इंद्र देवता ने वरसाए साडी पिंड ते वजे पर असी नहीं उठे। रात बतीत होई मीह भी हट गया। पिंड काले की संगत भी सवेरे इस स्थान पर आ गई। उन्होंने बाबा जी को कखा की कुली पा दी ते मिट्टी पा के उच्चिया नीवियां डिब्बिया भी पूर दित्तियां। इत्थे ही कखा की कुली विच बाबा जी ने टिकाणा कर लिया ते फिर सत्संग करना शुरू कर दिता। बहुत संगत इस स्थान पर सत्संग विच हाजरी भरन लग पई ते यही स्थान बाद विच गुरद्वारा संगतसर साहिब कनपुर काले दे नाम वजो प्रगट होया। जिथै जाए भगत सुथान सुहावना सगले होए सुख हर नाम ते आवना। संगत ज्यादा आन लगी ता बाबा जी ने संगत दे सहयोग नाल इस स्थान ते एक दो कमरे भी बना ले। पर बाबा जी आप कुली विच ही रहिंदे सन। हर रोज़ सत्संग होंदा ते गुरु का लंगर वरतदा। हौली हौली इस स्थान नूं काफ़ी भाग लग गए ते दूरों दूरों संगत आउण लग पई। गुरु साहिब जी दे इन्हां बचना सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई भला जै राखै सोई मुक्त दान जो जपाए सोई नाम अठ सठ तीरथ जै साध पग तरै तै वैकुंठ ज
नित नित हर गाये। इस स्थान से खूब रंग चढ़िया। बड़ी संगत ने तकरीबन आने वाले 35 वरे इस स्थान से बाबा जी के सतसंग का लाहा कटिया। बहुत संगत को बाबा जी ने इत्थे रह के गुरबाणी नाल जोड़िया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।